तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब कि फॉर्मेटिंग विद कंडीशन। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कस्टम फॉर्मेटिंग भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स में हम लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि कलर जो है हमें इजिली आइडेंटिफाई करता है, अगर कोई फॉर्मेट अगर डिफरेंट फॉर्मेट है तो हमें इजिली आइडेंटिफाई करता है कि क्या है, उसको समझने में, उसको कंपेयर करने में, उस पर डिसीजन लेने में। तो हम बार बार अगर आप रिपोर्ट अगर डायनेमिक बना रहे हैं कि आपका इनपुट चेंज होने में आउटपुट चेंज हो जा रहा है, तो आपका जो है फॉर्मेट कंडीशन इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास मान लीजिए वी लुकअप इस्तेमाल करते हैं, आपने डेटा लुकअप किया, एक तो हुआ कि तो आप लुकअप करें, दूसरा होता है कि आपकी हेडिंग चेंज होते ही आपका लुकअप चेंज होता है। जैसे आपको नेम चाहिए तो नेम लिख दिया तो वी लुकअप ने नेम डाल दिया, आपने अमाउंट बोला तो अमाउंट डाल दिया, अमाउंट चेंज कर दिया, अगर आपने नेम को अमाउंट चेंज कर दिया तो वी लुकअप अपना रिजल्ट अमाउंट कर देगा। लेकिन अगर आपने डेट कर दिया तो वी लुकअप डेट का रिजल्ट तो देगा, बट डेट इतना नंबर फॉर्मेट में देगा, तो फिर आपको डेट का फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका डेट का फॉर्मेट है, अगर आप नंबर चाहते हैं अमाउंट ले लिया तो अमाउंट इनका डेट फॉर्मेट में आ जाता है। तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग होना चाहिए, यही आज का टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट विद कंडीशन, मतलब कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग। चलिए तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको देता हूं, और मैं एक एक्सेल शीट लेता हूं। देखिए नॉर्मल जो हम फॉर्मेटिंग करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ही होता है कि आपका दो जो डेटा है और डेटा पे जो हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं वो डेटा से लिंक नहीं होता है, अगर डेटा चेंज हुआ तो फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारा डेटा से लिंक होता है, अगर डेटा चेंज हुआ तो फॉर्मेट ऑल्सो चेंज होता है। तो चलिए इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा किसी को किसी तरह का डाउट है, क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं प्रीवियस क्लासेस से। ओके, नहीं है प्रॉब्लम, चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल तो नहीं है। एक छोटा सा डेटा मैं यहां बनाता हूं, मान लीजिए सेल्स का लिस्टिंग लगा के हम यहाँ पे देखा दे लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसमें से जो ग्रेटर देन 50 है उसको हाईलाइट करना है। तो नॉर्मली अगर आप हाईलाइट करते हो तो क्या होगा कि कल के डेट में अगर यहाँ से रिजल्ट चेंज होता है, मान लीजिए 58 ना होके इसमें 18 हो गया, तो फॉर्मेट आपका चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेट। तो एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, इसमें कई सारे कैटेगरी है। सबसे पहले कैटेगरी हम बात करते हैं हाईलाइट सेल्स रूल्स के बारे में। हाईलाइट सेल्स रूल इसमें वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज करता है, तो इसमें कई सारे ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन, जैसे मुझे ग्रेटर देन 50 सेल करना है तो हम ग्रेटर देन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 50 डिफॉल्ट 50 आ गया, बट यहाँ पे अपने हिसाब से 50 जो देना चाहे डाल सकते हैं। फिर इसके बगल में आपके सामने आता है विद कंडीशन, मतलब कि फॉर्मेटिंग, यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइंड है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट ऐसा हो सकता है कि जो चीजें दी गई है आपको पसंद ना हो, इसके लिए आप सबसे लास्ट में कस्टम फॉर्मेटिंग चूज कर लीजिए। कस्टम फॉर्मेटिंग का चूज कर लिया, कस्टम फॉर्मेटिंग में आप यहाँ देखिए अपने हिसाब से जो भी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, फॉन्ट वगैरह, वो सारे आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। सेट कर लिया, अब यहाँ देखिए फॉर्मेट हो गया। ओके कीजिए, आपका फॉर्मेट अप्लाई हो गया। और ये डायनेमिक है, अगर आपने कुछ चेंज किया तो खुद बहुत फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। जैसे कि 71 को मैं 17 कर दिया, फॉर्मेट डिसअप्लाई हो गया, और 61 कर दिया तो फॉर्मेट अप्लाई हो गया। तो डायनेमिक होता है, कंडीशन फॉर्मेटिंग वैल्यू के साथ अपने आप को चेंज करते जाता है। समझ आया सर आपको कैसे अप्लाई करना है कस्टम फॉर्मेटिंग, सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसमें कई सारे रूल्स है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। ग्रेटर देन किसी नंबर से बड़ा,
लेस देन किसी नंबर से, छोटा बिटवीन किसी नंबर के बीच की। अब अप्लाई कैसे करना है, आप क्लिक कीजिए से बिटवीन को मैं सिलेक्ट कर लिया, हम यहाँ पे नंबर देते हैं कि हमें 52 एचपी वाले को हाईलाइट करना है, 52 एचपी डाल दिया और यहाँ पे आपकी फॉर्मेटिंग सिलेक्ट कर लिया और आपका हाईलाइट हो जाएगा। बट इसमें ध्यान रखिए क्या क्या डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं डेट एंड नंबर, डेट टाइम एंड नंबर। जैसे मान लीजिए कि डेट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मुझे इसमें हाईलाइट करना है कि भाई 15 जनवरी के बाद की जितने भी डेट है वो सारे हाईलाइट करना है। हमने सिलेक्ट किया कंडीशनल कन्वर्टिंग यहाँ पे ग्रेटर में और यहाँ पे 15 जनवरी लिख दीजिए, हाईलाइट हो गया। अब मैंने यहाँ पे ईयर नहीं दिया क्योंकि करेंट ईयर का डेट है, अगर आपका प्रीवियस ईयर या कोई पर्टिकुलर ईयर है तो यहाँ पर फिर आपको ईयर देना पड़ेगा। ओके, डेट एंड टाइम डाल सकते हैं बट कोई टैक्स नहीं डाल सकते। जैसे मान लीजिए कि आपके पास लिस्ट ऑफ नेम है, जैसे कि लिस्ट ऑफ नेम है, अब मैं चाहता हूं कि पूजा से बड़ा हाईलाइट करो तो एक कंडीशन नहीं बन सकती क्योंकि लॉजिकल कंडीशन में सिर्फ इक्वल जो है वही नेम पे हाईलाइटेड होता है। दूसरी चीज आप यहां देख रहे हैं ए सिलेक्ट हो गया, हेडिंग भी सिलेक्ट हो गया, तो कंडीशन फिटिंग में हेडिंग को सिलेक्ट ना करें, हेडिंग अगर सिलेक्ट करते हैं तो हेडिंग भी हाईलाइट हो जाएगा, सो हेडिंग को हाईलाइट नहीं करना है। तो कंडीशन फिटिंग में यहाँ आपका ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू होता है एग्जैक्ट सेम वैल्यू, इसमें कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हमने ओम किया उसे देखिए ओम को हाईलाइट कर दिया। अगर कोई डेट हाईलाइट करना है तो यहाँ हम इक्वल टू में आएंगे और यहां जैसे मान लीजिए मुझे 15 जनवरी हाईलाइट करना है तो 15 जनवरी हाईलाइट हो जाएगा। कोई पर्टिकुलर नंबर जैसे मैंने 24 का हाईलाइट करना है तो यहाँ 24 देंगे तो 24 हमारा हाईलाइट हो जाएगा। तो जो आप डालेंगे वो आपको हाईलाइट कर देगा, आपका इक्वल टू होता है एग्जैक्ट उसको हाईलाइट करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें इक्वल टू में प्रॉब्लम हो जाती है, कैसी प्रॉब्लम, जैसे कि यहां देखिए देव है तो कहीं पे देव है और कहीं पे देव कुमार, या कहीं पे ऐसा हो सकता है कि देव सिंह हो, लेकिन तीनों नाम एक ही है मान लीजिए, किसी फर्स्ट नेम ला रखा है, किसी ने फर्स्ट नेम मिडल नेम ला रखा है, किसी ने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल रखा है। तो मैं चाहता हूं कि देव जहां जहां एग्जिस्ट कर रहा हो सबको हाईलाइट, उस केस में क्योंकि अगर मैं यहां पे इक्वल टू करूंगा तो एग्जैक्ट देव को हाईलाइट करेगा और एग्जैक्ट देव हाईलाइट नहीं करना है। तो टेक्स्ट दैट कंटेन में जाना है और टेक्स्ट दैट कंटेन में यहां देव दे आ गया, देव हाईलाइट हो गया, देव कुमार हो गया, हो जाएगा और फॉर्मेटिंग तो अपने हिसाब से हम चूज कर सकते हैं। तो फिर टेक्स्ट दैट कंटेन में क्या होता है कि कंट्रोल एफ फाइंड की तरह वर्क करता है, जो पार्ट आप हाईलाइट करना चाहते हो सिर्फ उसी पार्ट को हाईलाइट करता है, अदरवाइज नहीं। तो आ गया समझ में आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर अगर आप इक्वल टू करके भी देव करोगे तो वो देव को सेलेक्ट करेगा ना? हाँ, इक्वल टू और ये टेक्स्ट कंटेंट में फिर कहते हैं नहीं 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 इक्वल टू तो एग्जैक्ट देव को हाईलाइट करें, सिर्फ देव होना चाहिए। ओके, मतलब इक्वल टू आपको कहता है टेक्स्ट को ये नहीं करता क्या? इसको हाईलाइट करेगा। देखिए मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, इक्वल टू देव कर देता हूँ, ठीक है, ये बोल रहे ना आप? हेलो, अब देखिए इसमें देखिए देव कुमार हाईलाइटेड नहीं है, देव सिंह हाईलाइटेड नहीं है, सिर्फ देव हाईलाइटेड है यहाँ पे, सिर्फ देव। आ गया प्रॉब्लम सर? क्योंकि एग्जैक्ट मैच करता है ना वो, समझ गया? अब डेट ऑफरिंग की बात करते हैं, कम करता हूँ मैं, डेट चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे। अब डेट ऑफरिंग में समझिए, जैसे कि आपको मैंने बताया ये हमारा डेट इसमें हम डाल सकते हैं, ये तीनों में डाल सकते हैं, चारों में, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन एंड इक्वल टू में हम डेट एंट्री कर सकते हैं, राइट?
अब यहाँ पे एक आता है कॉलम होती है, जैसे आपने कर दिया कि मुझे आज की सिस्टम डेट हाईलाइट कर दी है, इक्वल टू में आपने डाल दिया 24 हाईलाइट हो गया, बट ये तो फिक्स हो गया ना सर। कल मैं फाइल ओपन करूंगा तो कल 25 अगस्त नहीं हुआ, कल 24 अगस्त ही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे हाईलाइट मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग, सिस्टम डेट चेंज हो तो ये भी अपने आप को चेंज करे, तो क्या करेंगे उस केस में, हम यहां डेट ऑकरिंग का इस्तेमाल करेंगे। डेट ऑकरिंग यहां पे देखिए आता है टुडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, ये सिस्टम डेट से कनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए अगर मैं टुडे कर दिया तो आज 24 है, अगर कल फाइल करूंगा तो 25, परसों 26, सिस्टम डेट जैसे ही चेंज होगा ये अपने आप को चेंज कर लेगा। ये सिस्टम डेट से कनेक्टेड होता है सर, कि टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज, नेक्स्ट लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, ये सारे चीजें इस पे डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है डुप्लीकेट वैल्यू। अब कभी क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके सिलेक्टेड में कोई ऐसी वैल्यू मोर देन वन टाइम है, तो आप यहां से डुप्लीकेट वैल्यू करेंगे तो जो मोर देन वन टाइम होगा दोनों हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं इसको अलग बना बताना चाहूँ, इसमें मैं मोबाइल नंबर लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं डुप्लीकेट मोबाइल नंबर डालूं यहां पे हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और डुप्लीकेट वैल्यू अप्लाई कर, देन यहाँ पे 8025793888 आ गया। समझ गए? क्लियर है जी सर? जैसे अब जैसे मैं वर्क डन मोर देन वन टाइम लिखूंगा तो हाईलाइट हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अगर मैंने मोर देन वन टाइम लिखा तो इसमें दोनों हाईलाइट हो रहा है। मैं एक को हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ, जो डुप्लीकेट टाइप हुआ है उसको हाईलाइट करवाना चाहता हूँ। तो इसके बारे में हम आपको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, फिलहाल उसको इग्नोर कीजिए, लेकिन मैंने बताया इसलिए ताकि अगली क्लास में अगर मैं ना बताऊं तो यू कैन आस्क। तो हमने क्या किया, हमने अभी तक सीखा ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑफरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए या किसी को कोई डाउट है? नांदी जी ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। डुप्लीकेट में जैसे कि अगर कोई मतलब बड़ा डेटा है तो बड़े डेटा में सर हम कैसे फाइंड करेंगे डुप्लीकेट वैल्यू को? जैसे मेरे पास एक सीट है, मैं आपको सुनिए एक चीज है कि आप उसको सेलेक्ट करके हाईलाइट कर दीजिए, उसके बाद हाईलाइट हो जाएगा, उसके बाद उसको फिल्टर लगा लीजिए ना, फिल्टर विथ कलर ठीक है। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने कर दिया डुप्लीकेट वेल एंड ओके, और इसके बाद हम कर देंगे फिल्टर विथ कलर, जहां जहां डुप्लीकेट वैल्यू होगा वो कलर होगा और कलर वाले पार्ट को हाईलाइट कर देगा। समझे? तो बेसिकली ये सिर्फ आपको क्या करेगा, ये सिर्फ आपको हाईलाइट कर देगा, बाकी आगे काम खुद करना है। ठीक है, ये एक तरह से हाईलाइटर की तरह काम करता है। जैसे आप बुक पढ़ते थे तो बुक पढ़ते समय कोई आप इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलता था तो आप उसको हाईलाइटर से लेकर हाईलाइट कर देते थे ना, सेम काम ही करता है। ठीक है, तो हाईलाइट करने का बेनिफिट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ना कि अभी इसी में है तो इसमें हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, हमने बताया कि भाई जो ग्रेटर देन 50 या 60 वाले जो ग्रेटर देन 60 वाले हैं वो ये सारे हैं, तो मुझे मोस्टली देखना होता है ग्रेटर देन 60 वाला, तो मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस हम इजीली चेक कर लेते हैं। तो हमें देखने में, समझने में, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। समझ गए?
तो इसके बाद अगला टॉपिक आता है टॉप वर्ड। तो एक बार मैं जो कंडीशन प्रिंटिंग लगा रखा हूँ उसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। क्लियर रूल, क्लियर फॉर एंटायर सीट या सिलेक्टेड सेट, एंटायर सीट कर देता हूँ। अब टॉप बॉटम में देखिए क्या होता है, इसलिए हम इसको सिलेक्ट किया और इसको चले गए यहाँ से कर दिया टॉप पे। इसमें जो हाइएस्ट टॉप वैल्यू है ना सर, जैसे 90 है, 88 है, वो हाइएस्ट टॉप को सिलेक्ट कर देता है। हाइएस्ट टॉप मतलब उसकी पोजीशन के हिसाब से, समझ गए। अब इसमें कुछ वैल्यू रिपीटेड है तो उसको भी सिलेक्ट करेगा सर। तो जरूरी नहीं कि टॉप 10 होना चाहिए, आप यहाँ पे इसमें जो है अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि टॉप 10 की जगह पे टॉप 5 चाहिए, टॉप 3 चाहिए, या टॉप 100 चाहिए, या टॉप 1000 चाहिए। उसी तरीके से यहाँ आपका बॉटम आता है, बॉटम से हाईलाइट कर देता है। इसमें दो चीजें भी है, टॉप 10 परसेंटेज एंड बॉटम 10 परसेंटेज। बेसिकली परसेंटाइल फॉर्मूला से कनेक्टेड है। जब मैं आपको परसेंटाइल फॉर्मूला समझाऊंगा तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि अगर किसी ने बोला कि भाई इसमें से देखो जो अच्छे सेल्स है, इसका अच्छा किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, उसको हाईलाइट कर दो या उसको फिल्टर कर लो या उसको हटा लो। अब किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है ये कैसे पता लगेगा? अगर कोई बेंचमार्क डिफाइंड है, हाँ 60 वाले जो है वो ठीक है, 60 से ऊपर वाले अच्छे होते हैं, तो आप उसको 60 से ऊपर हाईलाइट कर देंगे, ग्रेटर देन 60। बट कोई बेंच मार्क ही नहीं है, कोई ऐसी लाइन ही नहीं है, तो क्या करें? तो यहां से हम लोग एवरेज निकालते हैं कि एवरेज से जो ऊपर है वो अच्छा है, एवरेज से जो नीचे है वो सही है। जैसे मान लीजिए ना कि आपको जो है महीने का 3000 रुपये मिलता है पॉकेट मनी, हालांकि पहले मिलता होगा, कॉलेज लाइफ में इतना पैसा मिलता नहीं था सर, हमें तो 15 रुपये मिलते थे, पता नहीं आपको 100 रुपये मिलते थे कि नहीं मिलते थे। तो पॉकेट मनी आपको मिलता है, तो आप कैसे आइडिया लगाओगे कि मेरा खर्चा किस दिन ज्यादा हुआ है? क्या साफ साफ कहोगे कि 3000 को डिवाइड कर दोगे 30 से, आपको पता लग जाएगा कि एवरेज आपका पर डे जो खर्च है वो 100 रुपये है। अब आप देखोगे 100 रुपये से ज्यादा किस दिन खर्च किया आपने, वो हमारा खर्चीला डे है। सेम थी यहाँ पे, तो आप यहाँ एवरेज आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। यही से आप देखिए हाईलाइट यहाँ पे टॉप बटन में अबव एवरेज, ऑटोमेटिकली एवरेज निकालेगा और जो एवरेज से ऊपर होगा उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, और ऐसे आप बिलो एवरेज करेंगे तो इससे नीचे जो होगा उसको हाईलाइट कर देगा। समझे? तो ये टॉप बॉटम का यूज होता है, टॉप 10 परसेंटेज बॉटम, टॉप 10 आइटम्स बॉटम 10 आइटम्स, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? सर दो तीन कंडीशंस एक साथ लगाई जा सकती हैं सर? जी हाँ जी हाँ, दो तीन क्या जितना मर्जी उतना लगा सकते हैं, लिमिटेशन सेट नहीं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेटा बार की। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हाउ कैन आइडिया लगा सकते हैं कि 60 हायर में है या लोअर में है। तो डेटा बार इस्तेमाल अगर करते हैं तो क्या करता है, बार क्रिएट कर देता है। जिसका बार पूरा अंत तक जा रहा है वो क्या है, हाईएस्ट है, जिसका है लोएस्ट, मतलब एक बार चार्ट बना देता है। क्योंकि इतनी बड़ी डेटा से आप बार चार्ट नहीं बना सकते, तो इजिली कंपेयर करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इजिली कंपेयर किया जा सकता है। जैसे अगर एग्जाम्पल दू मैं यहाँ पे,
अब देखिए जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है हमारा उसी तरह से हमारा स्टार्ट भी बढ़ रहा है। उसी में कलर स्केल होता है, कलर स्केल भी सेम काम करता है बट कलर से ग्रीन रेड टू ग्रीन। अगर आपको क्लियर समझाना है तो आइकन डाल दीजिए टॉप बॉटम मिडल। आइटम का यूज एक जगह और हो सकता है, जैसे हमारे पास क्वार्टर वन है और यहाँ पे क्वार्टर टू है। क्वार्टर वन में यहाँ पे मान लीजिए कि 5 सेल है, क्वार्टर टू में मान लीजिए कि 6 सेल है। तो किसकी सेल में ज्यादा है तो सिंपल यहाँ पे आप आइकन लगा दीजिए, जिसका ज्यादा होगा उसका अप हो जाएगा या डाउन हो जाएगा, समझे। इसका यूज हम लोग डैशबोर्ड में करते हैं। तो अभी जो आपने देखा, हमने बात की हाइलाइट की, टॉप बटन की, डेटा बार की, कलर स्केल की और आइकन की। तो जो चीजें मैंने बताई ये मोस्ट यूज्ड कमांड था, बट इतना ही नहीं, इसके अंदर और भी चीजें हैं, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट बिटवीन, ऐसे कंडीशन आपको मोर रूल्स या न्यू रूल्स मिलेंगे। लेकिन इसको करने से पहले आप इससे पहले की चीजें है उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। कंडीशन फॉर्मेटिंग टोटल जो है वो आपका 3 क्लासेस का है, एक क्लासेस, दो क्लासेस अभी मिलता है और एक क्लासेस आपको फॉर्मूले के बाद मिलता है एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग। सर पहले दफा हम लोगों ने वो टिक और क्रॉस लगाया था सर, वो जुगाड़ वाला अरेंजमेंट। हाँ हाँ, इसमें भी आता है ना सर वो आइकॉन में? जी हाँ जी हाँ। तो वो वाला ना लगा के ये चीज लगा सकते हैं, दिस इज बेटर। हाँ, वो तो देखिए जो आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग करते हो तो करोगे ही करोगे आप, कुछ नॉर्मल फॉर्मेटिंग को कंडीशन के थ्रू अप्लाई करना, माने कि एक कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या करता है कि कब आपको अप्लाई करना है कब अप्लाई नहीं करना है, वो चीजें आपको सेट करता है, समझ गया। बाकी जो फॉर्मेटिंग है वो तो आप करीब समझ गए। तो इसको आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए और मुझे तकरीबन 5-10 एग्जाम्पल बना के भेजिए, फिर हम कल हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बाकी जो चीजें हिडन है उनके बारे में एंड हाउ कैन अप्लाई द फॉर्मूला, समझे। फॉर्मूला इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे मैंने ये बताया ना आपको कि डुप्लीकेट वैल्यू में दोनों हाईलाइट होता है, मुझे एक ही हाईलाइट करना है। अमाउंट का भी कॉलम में किसी ने अगर टेक्स्ट लिख दिया तो हाईलाइट कर देना है, ऐसी नहीं कंडीशन, कस्टम कंडीशन कर दीजिए। आप कुछ और पूछ रहे थे? हाँ सर, एक पूछना था, अभी जैसे हमने सेल्स के ऊपर ये फॉर्मेट लगा दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ओके, ये है हमारा पूरा बड़ा डेटा, जैसे कि 30 कॉलम्स 35 कॉलम्स है, हाँ अच्छे खासे। अब इसमें मैंने इंसर्ट रो या इंसर्ट कॉलम किया रो, तो फिर वो उसके ऊपर वैलिड रहेगा या फिर मुझे? जी वैलिड रहेगा। मान लीजिए इंसर्ट हमने किया रो, अब इसमें मैं जैसे 95 लिखता हूँ, देखिए अप्लाई हो गया। यस, वही वही एक पूछना था कि वो मतलब हर सेल के ऊपर होगा चाहे मैं इंसर्ट या ओके। तो आज हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की पहली फेज के बारे में जाना और ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि डैशबोर्ड में इसका अच्छा खासा या रिपोर्ट में इसका अच्छा खासा यूज होता है। तो सर प्लीज आप जो है एक बार इसकी प्रैक्टिस करें, फिर अगली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसके अंदर की चीजों के बारे में, ओके। तो मिलते हैं कल सेम टाइम। तो बाय सर। थैंक यू सर।